हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा रहे हैं, औकात वाली प्रश्न वो जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक। पढ़ने बैठिएगा तो बहुत चलेगा, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन तो आपको दे रहे हैं, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। यकीन नहीं तो दोस्तों जाकर जे एस एस सी का कोई भी एग्जाम उठाइए और प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्वेश्चन सही करवा रहे हैं या गलत करवा रहे हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले बुक के बारे में देखने वाले, बहुत सारे लोगों को क्वेरी आ रहा था कि बताइए बुक वगैरह कौन सा करना चाहिए, ठीक है। और जरूरी नहीं कि जो बुक हम बता रहे हैं वही बुक अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिसको नया लेने के मूड में है उसको लिए बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक। उसके लिए बता रहे हैं कि ये बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा अच्छा चीज़ दिया हुआ था। अब सचिवालय ऐसो बन सकते हैं इस बुक फॉलो करके, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों फिर देखते हैं आज का। और दोस्तों जो पेड व्हाट्सअप जो पेड ग्रुप चल रहा है वो ओपन है अभी, जिसको जिसको ऐड होना ऐड हो जाइएगा, ठीक है। अभी ऐड कर रहे हैं जो जो चाह रहा हो, जिसको कोई दिक्कत नहीं। उसमें 8968765101, ठीक है, ऐड हो जाइएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा आपको, पीडीएफ वगैरह जो भी है। टेलीग्राम में सब चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो भी होता है वहाँ पे ग्रुप में मिल जाता है। तो 8968765101 पे पेड बैच है ये, जुड़ सकते हैं अभी, ठीक है। कुछ दिन के लिए ओपन है अभी, मतलब उसके बाद बंद कर दिया जाएगा फिर, ठीक है। चलिए ये देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों जो बुक हम बता रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो राइटर बताने वाले दोस्तों, क्योंकि साइंस का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों, एक महेश कुमार बर्नवाल का बुक आता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि फ्रंट पेज अच्छे दिख रहा है तो ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। आपका राइटर होना चाहिए महेश कुमार बर्नवाल, इसका बुक फॉलो कीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकता है ये बुक और बहुत चलता भी है, ठीक है। ये साइंस के लिए बहुत परफेक्ट बुक है दोस्तों। सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और रेदर देन कोई बुक, मतलब सचिवालय खास करके बता रहे हैं, ये बुक बहुत अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ रहता है इसमें। और 6 to 12 का रहता है इसमें, किसमें 6 to 12। आप बोलिएगा 10th लेवल तक ही पढ़ना है तो फिर गलत बात है, तो ये बात मत बोलिएगा। ये बोलने का 10th होता है दोस्तों, क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो 6 to 12 बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ मिलता है। यदि कोई बुक लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। बाकी कोई बुक पढ़ रहे होंगे, घटना चक्र भी कोई बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चीज़ तो वही है, ठीक है। जिसको लेना है नया उसके लिए बता रहे हैं कि ये बुक फॉलो कीजिएगा, महेश कुमार बर्नवाल। कोई राइटर कोई भी बुक चलेगा, राइटर देख लीजिए महेश कुमार बर्नवाल, काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए ये साइंस के लिए होगा। और देखिए झारखंड जीके के लिए नहीं बताया, ठीक है। झारखंड जीके में क्या है कि कोई भी बुक फॉलो कीजिएगा, चलेगा, किसी का भी ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ में सेम ही रहता है, कोई अलग चीज़ नहीं लिखता है। उड़ान हो, फिर ब्रह्मास्त्र हो, और भी कुछ हो, मैं हूँ झारखंड, पता नहीं, बहुत सारे बुक आते हैं झारखंड का, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है, ठीक है। उसको इसलिए हमने बता रहे हैं यहाँ पे, कोई बुक सब चलेगा। कंप्यूटर का हरियंत का बुक है दोस्तों, इसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी दिया रहता है, और इसमें बहुत सारे बात, बहुत से लोग क्या करते हैं लूसेंट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी ख़राब बुक नहीं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लूसेंट भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको काम बन जाएगा। लूसेंट से भी काम बन सकता है, और ये कंप्यूटर अवेयरनेस हरियंत का एक बुक आता है, हरियंत का, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप लोग, अच्छा बुक है ये भी। लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना, देखिए जीके में जितना ज़्यादा लूसेंट, देखिए लूसेंट का पूरा पढ़ने का तरीका ये नहीं कि A to Z पढ़ना, नहीं। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है, सिलेबस देखिए पहले, सबसे पहले। और जो सिलेबस है दोस्तों उसको लूसेंट से पढ़ जाइए, तभी जीके स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे दोस्तों जीके किसी को नहीं पता चले कहाँ से आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। जरूरी नहीं कि आप लूसेंट पढ़ जाइए तो लूसेंट में फाड़ी दीजिएगा, ऐसा नहीं। पहले जमाना चलता था दोस्तों कि लूसेंट पढ़ के जाइए, सब वहीं से आता था, पहले के बाद बता रहे हैं, लेकिन अब जमाना चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन लूसेंट भी पढ़ रहे बहुत अच्छी, जीके के लिए लूसेंट बहुत सारी चीज़ यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए मैथ के लिए बहुत सारे लोग प्रैक्टिस के लिए बुक बोल रहे थे, कौन से किसका लेगा, ठीक है। झारखंड में बहुत सारे बुक है, ठीक है। तो जैसे झारखंड लोग बुक लेने चाहिए उसे बढ़िया कि राकेश यादव को क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। राकेश यादव जो क्वेश्चन बहुत सारा इसमें मिल जाएगा आपको, हालांकि इतना लगा भी नहीं पाइएगा, ठीक है। लेकिन बता रहे किसी को मतलब शौक है तो बता रहे, बाकी क्वेश्चन टेस्ट चेक कीजिए। और बाकी क्वेश्चन लगाने का शौक है कि ना हमको लगाना है तो राकेश यादव से बढ़िया बुक कोई नहीं मार्केट में अभी आज की डेट में, ठीक है। बहुत सारा कलेक्शन इस बुक में मिल जाए आपको, और मतलब पूरा क्वेश्चन बोल लेना है, मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन चाहिएगा वैसा वैसा क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। बहुत फेमस टीचर है दिल्ली का ये, और वो एसएससी का टीचर है, फेमस टीचर है राकेश यादव, सबको जानते होंगे इसको। चलिए रीजनिंग के लिए पीयूष भर से के लिए बुक, पीयूष भर से, ठीक है। कोई टॉपिक दिक्कत होगा तो इसका वीडियो देख लीजिएगा, सारा टॉपिक कन्फ्यूजन हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मतलब अच्छा बताते हैं, शानदार बताते हैं, और एक बार में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। रीजनिंग का मास्टर है ये, और इसका बुक भी आता है, बुक लगाना होगा तो बुक ले लीजिएगा रीजनिंग, लेकिन पीयूष भरसे का ही बुक लीजिएगा, बता रहे हैं। कोई दूसरा बुक लेने से मतलब नहीं, झारखंड में क्या है ना, अपने आप को बहुत सारा बुक निकाल रहा है सब, ठीक है। मैथ रीजनिंग जो भी है वो सब लेने से बेकार है दोस्तों, इससे बढ़िया कि सेंट्रल का कोई बुक ले लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है, समझे ना। बाकी स्टेट लेवल कोई ऐसा कुछ है नहीं। चलिए
और यार सामान आते हैं जैसे हिस्ट्री, एक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए दोस्तों सामान जीएस के लिए पेपर ले सकते हैं अभी महेश गौन बनवाल का। इसलिए साइंस, साइंस का बुक प्लस जैसे ना तो पॉलिटी, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको जनरल स्टडीज बोलते हैं, ये सब बुक आप लोग पढ़ सकते हैं महेश कुमार बनवाल बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी का उसमें दिया रहता है। आपको एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पूछा जाता है, एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा तब पता आपको चलेगा, ठीक है। ये रेलवे और एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है जो कहीं से कुछ उठा के पूछेगा, नहीं, आपको स्टेट लेवल एग्ज़ाम में थोड़ा सा एनसीईआरटी ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, तभी आप एएसओ का सब कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं वो सब बुक पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट होता है जो शायद आप छोड़ के जाते हो, ठीक है। हालांकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत क्वेश्चन और बहुत टॉपिक देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ दिए भी हैं, ठीक है, बहुत कुछ दिए हैं। जैसे केमिस्ट्री में जैसे कैसे निकाला जाता है पीरियड ग्रुप वगैरह, ये सब चीज़ नहीं पूछता एग्जाम में उस समय, लेकिन आपको जीएसएससी सीजीएल में पूछ सकता है सब चीज़। तो चैनल के साथ रेगुलर टच में रहिएगा एग्जाम तक, उसके बाद देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना। बाकी कोई बुक फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं जो बुक बता दे वही बेस्ट है, नहीं, बुक आप भी पढ़ रहे हैं, वैसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं आप लोग, तैयारी तो बहुत जबरदस्त हो गया है, और जिनका तैयारी बहुत अच्छा हो गया दोस्तों, वो मैक्सिमम कोशिश करें क्वेश्चन लगाने का, जहाँ से क्वेश्चन मिल लगाइए, ठीक है। और जो टेस्ट लगाने का तरीका बताया, ओमार सेट में, ओमार सेट लग खरीद के ले आइए, 20-30 रुपये मिलेगा दोस्तों मार्केट में, और उसी में प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्या होगा कि गलतियाँ कम होगी एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है और एक दो क्वेश्चन आपको शायद डुबा सकता है एग्जाम में, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा अच्छा। हम कल एक वीडियो बनाए थे उस पर ओमार सेट के बारे में, 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, 150 का पेपर टू और पेपर थ्री दोनों, और दोनों उसी में लगाइए। यदि ऑफलाइन व्यवस्था नहीं मिल रहा आपको तो ऑनलाइन ही क्वेश्चन को ऑफलाइन भी करने क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस तो हो जाएगा गोला करने का, और उसमें गलतियाँ करने और उसमें ऊपर जरूर भरिएगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कैसे भरा जाता है, रोल नंबर नाम वगैरह कुछ भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए बुक है बेस्ट, और इसको कर सकते हैं, पढ़िए इसको, और ज़्यादा समय भी नहीं है दोस्तों, कैसे समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा बता रहे, इसलिए आप लोग हवाबाजी ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है, तैयारी कीजिए जम के, और सपना साकार कीजिए इस बार, ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम शायद ही होगा इस बार, तो फिर 8-10 साल हमें नहीं लगता आने वाला है इस फिर से वैकेंसी वाला, इसलिए ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इसलिए तैयारी जम के कीजिए, ठीक। चलिए अब टेलीग्राम में जुड़ के रहिएगा दोस्तों, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, बाकी पेड पेज जिसको जुड़ना होगा व्हाट्सअप वाला में 8968765101, इसमें सारा पीडीएफ जितना छोटा पीडीएफ सब मिल जाएगा, इसमें अभी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, जितना पीडीएफ छूटा हुआ है, प्लस जो नया मिलेगा तो ग्रुप में मिलता रहेगा, और बहुत अभी कुछ बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों पीडीएफ में, टेंशन मत लीजिए, जो जो पेड ग्रुप में ज्वाइन किए हुए उसको तो फिर बहुत अच्छा है, फिर दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।